गाजीपुर के डीएम महोदय आर्य का अखौरी से मिले समाज सेवी दिनेश सिंह यादव। गाजीपुर का जंगीपुर लावा मार्ग, जहां पर हर दिन लोगों को दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। लोगों का ये कहना है कि रोड की दशा बहुत खराब है और किसी तरीके से लोग आते जाते हैं, लेकिन बहुत ही कष्टों का सामना करना पड़ता है। दिनेश सिंह यादव उसके बाद अधिशासी अभियंता के पास गए। बीएल गौतम क्या बोले मीडिया के सामने, एक ऐसा रोड गाजीपुर जिले का जहां पर ये सुगबुगाहट है कि आखिर ये रोड कब बनेगा, लेकिन दिनेश सिंह यादव समाज सेवी ने किया पूरा प्रयास। आगे क्या बोले बीएल गौतम। आपके यहाँ आज लावापुर जंगीपुर मार्ग को लेकर एक ज्ञापन दिया गया है, सर क्या बताएंगे आप? इसका नाम जंगीपुर सुहाकरपुर आदि पर इसका मार्ग है। इसकी लंबाई 10.2 किलोमीटर है और ये वर्तमान मार्ग बहुत जर्जर स्थिति में है। इस हेतु हमने इस सड़क के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु 24 करोड़ रुपए का एस्टीमेट शासन को प्रेषित कर दिया गया है और ये इसकी स्वीकृति शीघ्र मिलने की उम्मीद है। अभी तक इस पे पिछले काफी समय से जो है चला आ रहा है, ये मामला टला आ रहा है, तो क्या लगता है सर कितने दिनों के अंदर ये उम्मीद है कि ये प्रस्ताव स्वीकृत हो जाएगा? मुझे उम्मीद है कि दिसंबर ही में ही स्वीकृति जारी हो जाएगी इसकी, और इसके लिए सक्षम अधिकारी ने इसका निविदा भी आमंत्रित कर ली है। जैसे ही स्वीकृत होगा तत्काल इस पर 1 महीने के अंदर कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा। सर बीच में खबरें आई थी कि आवंटित हो चुका है, कार्य चालू होगा, कुछ खबरें थी ऐसी? आवंटित तो नहीं, अभी आवंटन इस पर प्राप्त नहीं हुआ, जैसे ही स्वीकृति जारी होगी तभी आवंटन इस पर प्राप्त होता है। इस मार्ग से चौड़ाई कितनी रखी गई? इस मार्ग की चौड़ाई 7 मीटर चौड़ा किया जाएगा, क्योंकि पहले हमने इसका प्रस्ताव 5.5 मीटर भेजा था तो हमारे प्रमुख सचिव ने स्वयं कहा कि यार इसको 5.5 क्यों बना रहे, जब ये दो तरफ मार्गों पर 7 मीटर से मिलता है, इधर जंगीपुर में भी 7 मीटर है, उधर भी जो है आरीपुर साइड में भी 7 मीटर, तो उन्होंने 7 मीटर का इसका प्रस्ताव मांगा है। पहले इसकी लागत थी 17 करोड़, जो बढ़ करके 7 मीटर के हिसाब से 24 करोड़ होगी। धन्यवाद। एक बार अपना परिचय देते हुए आप बताएं कि किस कार्य की वजह से आज जिला अधिकारी कार्यालय गाजीपुर आए थे। हमारा नाम है दिनेश सिंह यादव, पूर्व राष्ट्रीय खिलाड़ी है। हमारा घर पड़ता है रायपुर, सदर ब्लॉक है, सदर तहसील है, और मैं आज जिला अधिकारी महोदय साहब को मैंने ज्ञापन दिया और हमारा जंगीपुर जाते हुए घर पड़ता है और 12 किलोमीटर रोड है और बड़ी जर्जर है, बहुत खराब है। कौन सा मार्ग है जिसको लिखे पाए? जंगीपुर से जाता है और 12 किलोमीटर है, जंगीपुर लावा मार्ग। हाँ, बहुत 7.5 साल से लोग कह रहे हैं कि आज पैसा आ रहा है जनप्रतिनिधियों ने, कोई ऐसी बात नहीं, हमने एक्सएम साहब से बात किया, पैसा नहीं है, और उन्होंने हमसे खुद कहा कि आप अगर है तो शासन से पैसा मंगा सकते हैं। जिलाधिकारी महोदय के यहाँ आपने ज्ञापन दिया है, उन्होंने क्या कुछ कहा? उन्होंने क्या कहा, कहें कि देखते हैं, यही बात बोली है। और इस पर कार्रवाई के कार्रवाई के लिए कहे कि आप पुलिस दे रहे हैं। कल हमसे बात हुई माननीय जिलाधिकारी साहब से, तो उन्होंने कहा कि आइए हम बैठेंगे, मिलिए और समस्या अपना बताइए, हम देखते हैं हल कराएंगे, यही बात हुई उनसे माननीय जिलाधिकारी महोदय साहब से। और उनसे उन्होंने बताया कि डीएम साहिबा से हमारी बात हुई है और इसी समस्या को लेकर आज हम लोग जिला कार्यालय पर आए हैं माननीय जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन देने के लिए कि वो जो सड़क क्षतिग्रस्त हुई है उसको मरम्मत करने हेतु उस पर विचार करें। ठीक।